भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ प्रेम भाव से एक मंच पर दिखाई देना किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन ये अजूबा या करिश्मा कहें, ये देखने को मिला फूड प्लाजा होटल में एस्टुडे चैनल की 5वीं सालगिरह के मौके पर, जब कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप पठानिया, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोकरा, हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर, नदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, प्रदेश बीजेपी सचिव विजय पाल सुहारू, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। एसओडी की 5वीं सालगिरह के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज हर व्यक्ति सही जानकारी चाहता है और पिछले 5 वर्षों से एच टुडे चैनल ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चैनल कई आए और चले गए, लेकिन टिके वही रहे जिनमें विश्वसनीयता थी। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, हर व्यक्ति जानकारी चाहता है, पर हर व्यक्ति सही जानकारी चाहता है। इसलिए जैसे कहा गया, चैनल्स तो बहुत आए और गए, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी, जिला स्तर पर तो अनंत, लेकिन टिके वो ही जिनमें क्रेडिबिलिटी थी, जिनमें विश्वसनीयता थी। आज के इस युग में एक दौड़ लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी खबर दें, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, उसका पुष्टि नहीं करेंगे कि तथ्य क्या है, और उसके कारण कई बार जो शिकायत लोग करते हैं कि हमारा तो मीडिया ट्रायल हो गया, किसी इशू के बारे में हमारी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक इशू पे हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि हम सब इंसान हैं, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता होता है। मैं बैठा बैठा अरविंदर की जगह बैठा हुआ तो मैं दिख रहा एच, माइंड में होगा हमीरपुर, एच से ही हिमाचल, एच से ही हार्ट, दिल से बुलाया है, दिल से जोड़ा है, तो पार्टी कोई भी हो आदमी दिल से जुड़ जाता है, ऐसी अवसर की किन बात है, इंसानियत के तौर पे जुड़ जाता है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखिए, और आपने मेहनत की है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैंने कई चैनल्स का इनॉग्रेशन किया है स्टेट लेवल का, पहली बार देख रहा हूँ कि किसी चैनल ने अपना 5वां सालगिरह मनाया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि हलचल चैनल ने आज सारी मुश्किलों को पार कर एच टुडे चैनल का रूप लिया है, और आज एच टुडे चैनल ने 24x7 चलते हुए भी अपने 5 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में विचारधारा का मतभेद है, लेकिन आपस में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। न्यूज चैनल के नाम से लोकल चैनल जो था वो लॉन्च किया, और उस जमाने में ऐसी हिमाकत करना को बहुत जिगरे वाला इंसान ही कर सकता था, और इनका जो ये संघर्ष रहा 14 वर्ष का सफर रहा, उसमें निश्चित तौर पर बहुत उतार चढ़ाव भी इन्होंने देखे, लेकिन सारी मुश्किलात से पार पाते हुए आज हलचल जो है उसने एच टुडे की का रूप अख्तियार किया, और एच टुडे चैनल ने भी आज अपने 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा किया। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि हमारे जैसे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में, धूमल साहब तो बड़ा नाम है, हम नौसिखिए थे, नए थे, हम लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात समाज के समक्ष, लोगों के समक्ष, और लोगों से संबंधित जो मुद्दे थे, समस्याएं हैं, उनको समय समय पर आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकारों के समक्ष, प्रशासन के समक्ष,
उठाने का मौका मिला और आप लोगों का जो चैनल है उसके माध्यम से हमें एक्सपोजर भी मिला, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां दो राजनीतिक दलों की बात हुई, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि हमीरपुर जिला हर क्षेत्र में आगे रहा है, वहीं पर एसटूडे चैनल एक नई सोच के साथ लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने कामना की है कि इसी तरह एसटूडे चैनल दिन रात उन्नति की तरफ अग्रसर रहे। कि आपने एक छोटे से जिले में जो नाम में छोटा है लेकिन उसके काम जो है बहुत बड़े हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे सैनिक बहुला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ये देश की हर कुर्बानी में डिस्ट्रिक्ट आगे रहा है, राजनीति में इसकी अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। मैं उस जिले में आपने एक नई सोच और नया एक चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचने का एक जरिया शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आशा करता हूं कि आपका चैनल दिन रात दुगनी उन्नति करे और लोगों की समस्याओं को, लोगों की तकलीफों को, लोगों की कठिनाइयों को इस तरह उजागर करता हुआ प्रशासन के माध्यम से या सरकार के बीच में जाके पहुंचाए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। प्रदेश बीजेपी सचिव विजयपाल सोहारू ने कहा कि एसटूडे चैनल ने लोगों की समस्याओं को सरकार व अधिकारियों तक पहुंचाने में बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। आपने जो 5 साल का ये सफर किया है, जो समाज में समस्याएं हैं उन समस्याओं को अधिकारियों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाया है, इसके लिए पूरे हमीरपुर की जनता आपका धन्यवाद करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एसटूडे का ये जो सफर रहा है बहुत ही शानदार सफर रहा है। आपने जो लोगों की समस्याएं ही सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक तौर पे जो कार्यक्रम किए हैं, एक नई शुरुआत पूरे जिले में एसटूडे के माध्यम से हुई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का जो मामला शुरू हुआ था पूरे प्रदेश में, तो एसटूडे ही यहाँ का सबसे पहला चैनल था